अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाँ सज्जाद भट्टी। तुसा देखते पे हो मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद भट्टी व्लॉग। ही टाइम असम मौजूद है से मोटरसाइकिल के उत्ते। मेरे नाल है मोहम्मद शहद खाकी साहब। इस वे कटे ना असा मोटरसाइकिल से ही टाइम सफर करें पे हो। असा वतों ही टाइम इंटरचेंज मोहम्मदपुर रहीम यार खान का इंटरचेंज ही कुछ देते इंटरचेंज M5 इकबालाबाद भी सदन तो मोहम्मदपुर भी सदन। इस वे जिले रहीम यार खान का जो शहर का इंटरचेंज है नज़दीक ही हो। वैसे जिले रहीम यार खान इंटरचेंज तो पे भी हैं जिमें जहर पीर थी गया वो दूर थी मैंने। लेकिन ही शहर का जोड़ा तहसील रहीम यार का इकबालाबाद नज़दीक का इंटरचेंज है इंटरचेंज M5 ये हूँ जाते हूँ कुछ ही मौके पर। मेरे नाल शायद लोकेशन दिखी ना जो बोल वाली असा तो आपको शायद भाई तुम आखिम जो ये लोकेशन ही दिखा दें पुल की साइड की असा तो आपको लोकेशन दिखेंदे पे कि आखा पुल मोटरसाइकिल की मैं मिन्नत की शायद भाई कुमार यार तू चली जो मैं विलाक बना दिना इलाके को। चलो अपना इलाका है माशाल्लाह शाम का टाइम है बड़ा खूबसूरत लगता है। ये साइड से तला है घास है जैको खा ही सजेंद तला ही सजेंद किलो ये तला वगैरह है साइड से देख किलो ये तो बैक करते दिखे असा ये इतों ही में। अच्छा ये देखते पे चो असरी बैक साइड से ये उत्ते रोड है चाइना ली ये सीधी जड़ी ये रोड ये वेंदी पी है ये लाहौर वेंदी पी है परले पासू ईं तो वनो तो कराची वेंदी ये रोड ये ही टाइम अस इंटरचेंज उत्तू वदूँ। मैं तो मोहम्मद शहद खाकी साहब जुलू खाकी साहब दोस्तों क्या हाल है ठीक हो। सज्जाद भट्टी साहब का चैनल को लाइक सबसक्राइब तो शेयर शेयर करो। ये जड़ी विचली रोड है ये तो आपको कहना से दसी ये मोहम्मदपुर इंटरचेंज चलो निजामाबाद कोलगरी शेखवान के ये रोड है ये जो ये देखो ये इशारा मेरा ये जड़ा इशारा मैं करेना पे रोड है जड़ी ये रोड शेखवान वाली साइड पे वेंदी है ये तो आपको दसनी है ही शायद साहब दस दीती है। अच्छा इवें मनाजर ने बैक साइड दे वाला तो आपको मैं दिखेना पे ये पुल दे तलु सीधा रोड वेंदी है शेखवान वाली साइड पे ते ए मनाजरे विच जिहड़े चैन वाली रोड दे वाला आ गए ये चौक है ये इंटरचेंज का चौक है। शाम का टाइम है सूरज भी अगों सामना है ते कहीं तो मोबाइल दे सूरज की लाइट पाती है मोबाइल है ते साफ नहीं होता ये तुम देखो बैक साइड सारे मनाजरे इंटरचेंज मोहम्मदपुर के तो आपको मनाजर दिखने भी अस असा ही टाइम बद ही सफर थे मोटरसाइकिल से वसूली करण आया से थी वसूली मुर्गी का कुछ छोटा मोटा काम रोजगार करें पे उन्हें वसूली चावन आया से असा ए देख लो ये मनाजर मोहम्मद ए देख लो सर ये सामने ओ सामने तुसा देखते पे उसे इतों उत्ते चढ़ते लोग टिकटा गिन पे पर्ची गिनते तो सीधा उत्ते चढ़ पे इंटरचेंज उत्ते रोड से चाइना वाली रोड से ये प्रेस क्लब का दफ्तर दिखा ए आबादपुर प्रेस क्लब का दफ्तर है सामने ओ उत्ते चुबारा नजर दा पे ए जिता रूसी ट्रैक्टर खड़े नहीं तो चुबारा है ये शायद खाकी साहब होने का दफ्तर है इन्हें का दफ्तर इतनी है इंटरचेंज उत्ते ए पर पीटी का झंडा ही लगा पे वे नाल उतो दफ्तर है वे ओ लिखे खड़े प्रेस क्लब तो प्रेस क्लब है जी होटल शोटल भी VIP है माहौल चंगा है सारी रात लोग इतना रोजगार करें दें होटल खुले रहते हैं सारी रात वैसे रौनक रह वी अज तक पहले रौनक ना है रोड बनाने माशाल्लाह रौनक बढ़ गई ए हूँ ट्रप गए असा बड़ा चाहता है बड़ा चाहता है कराची जो पसंद अच्छा ये तुसा को भला दिखे भी एक गाड़ी आ गई और देखो ओ ए सी कोच आ गई ये बड़ा अच्छे दी ये बड़ा अच्छी गाड़ियाँ अड्डा बड़ा अच्छे का टर्मिनल है पर वो एक ट्रप गए वो फैसल मोहर वाले का टर्मिनल आखन का मकसद ये है तो आपको असा दिखे भी इतों की अपने इंटरचेंज मोहम्मदपुर की लोकेशन तो मोहम्मदपुर ही सू आख्या बंदे कि इन जी आबादी है ना एक मोहम्मदपुर की लगती है ये असा हूँ बिल्कुल आबादी मोहम्मदपुर की जाने वाली दुकाना तुम देखते दे शुरू थी दुकाना घर वगैरह अड्डा
है मोहम्मदपुर इंटरचेंज बनाने वाले इतों के लोगों को रोजगार दे रहा है। इतों के लोग दुकान ही माड़े मोटे दुकान खोली बैठे छोटा मोटा कारोबार कर लेकिन मोहम्मदपुर एक पुराना ये अद्धा एक छदेन मोहम्मदपुर अद्धा एक छदेन ही अपना शिमाशाह जिमें शहर होते शहर आबाद थी गए जिमें शहर नहीं बड़े बड़े आबाद थी वे शहर इवें बन गए भी शहर है शहर बन गए वो क्यों बन गए वो ही वजह ने बन गए कि इंटरचेंज जदों का है लोगों का रोजगार बढ़ गए माशाला चंगी रौनक बन गई इतना लोग बाहर आए जो आमदन थी आते होटलें दे खावन पीवन मिसाल तौर पर उन्हें कोई सौदा वगैरह गिरना होते थी आवेदे कोई सिगरेट चाह पानी होटलें ते रोटी आसे पासे जो चीज़ जरूरत है जिंदगी दीजा सब मिलते हैं। देखो असा बाजार हूँ टप्पे वेंदु इंटरचेंज के नाल मोहम्मदपुर बाजार ये तो सब देखते पे हो सो ये देखो ये रौनक बेहतरीन रौनक बेहतरीन रौनक मोहम्मदपुर की ये देख के सब बड़ी आलिशान रौनक है असा इतना आमदू अवल कने रोज आमदे रहूँ क्यों को ना करती वजन रोज आमदू क्योंकि असर कारोबार भी है मुर्गी की सिपलाई है तो वसूली चेंदे रहूँ मुर्गी की वसूली चेंदू तो ना रोना सैर सपटे ही थी वे रौनक इतना चंगी होती है क्योंकि बाहर की दुनिया सारे लोग आसे पासे हर इलाके के लोग आते हैं गाड़िया इतों बहर दिखाया हैं अद्धे के उत्ते मोहम्मदपुर के आते नहीं थी टर्मिनल बड़े हुए हर इलाके की इतों सवारी मिल वी है गाड़ी हर इलाके की है इलाके जिधारू लोग जै अगे परे परे वजना होता लाहौर कराची आसे पासे पूरे मुल्क जितना वजना पाँगा ना लोग रहीम यार वेंदे हैं या सदका पाद वेंदे हैं हूँ इत जै जिथा वजना है ना पूरे जिले क्या ना पाकिस्तान के जै सफर करना होते पूरे पाकिस्तान का हूँ कोई इंटरचेंज मोहम्मदपुर कुछ वजे वो हर गाड़ी हूँ मिल वी इतना पहले रहीम यार वजना पाँगा सदकाबाद वजना पाँगा चौक बहादुरपुर फतेहपुर ये बड़े धिके लोग खाते हैं परेशान होंगे हूँ तो पता ही नहीं लगता ये इलाके को नज़दीक पै वेंदे असा इलाका जिमें राजमपुर कलान थी गया हूँ पाँच छः मिनट का सफर है मोटरसाइकिल से इंटरचेंज से बंदा पुज वेंदे बड़े असें कुछ बड़े फायदे जितने आखो उतने कम है कितने मिसाल तौर पर असें कोई फायदे थी गए नहीं इंटरचेंज बनने नाल असें कोई मेहमान अस अगर लाहौर कराची आसे पासे बनना हो असा खुद ही मोहम्मदपुर इंटरचेंज को यूज करें इतों गाड़ी से अगर मिसाल तौर पर कार है अपनी गाड़ी है सवारी है भला इतों इंटरचेंज उत्ते चल वो मिसाल तौर पर बस से अगर कि सफर करना हो मिसाल तौर पर पिछली दफा मैं पिंडी गया इस्लामाबाद मैं इतों टिकट कराई है माशाला बड़ा मजा है सकून सीट मिली है इतों सफर किए से सीधा इस्लामाबाद क्यों जाना मैं इतों क्यों भला वापसी जाना मलियो भला इतनी जाना मैं लतों के मोटरसाइकिल आए मेरा कॉल की हूं तो मैं दो मिनट लगे जाते गए प्यार से कोई बड़ा फायदा नहीं है रात जै टप जितना वजना है तो ही इंटरचेंज उतो असा सफर करें हूँ सी मोहम्मदपुर ही क्रास थी गए तो इंटरचेंज का इलाका वैसे तो डिस्कस थी भी वही अस क्रास कर रहे हूँ मोहम्मदपुर ही क्रास कर रहे हूँ ही टाइम आवन वाले हूँ अस एक हेड ते हेड हूँ कुछ दिन हेड देखी ये हेड को ये मशहूर है किताब है जैसा जो पंजी चौथी पंजी पढ़ते हैं हूँ दे सुनते हैं हेड पंज नाथ हेड पंज नाथ तुसा भी सुनी उस ये पाकिस्तान के हर बच्चा जेड़ा पढ़िया लिखा हूँ बच्चे बच्चे को दिखी नहीं तो हूँ को पता है पंज नाथ नहर का पंज नाथ नहर ये सही इतनी तो हूँ मैं कहना वो इतनी मुकती भी अच्छी ये जी वे ये पंज नाथ नहर वे यही पंज नाथ नहर का एंड यही जिला पे वे अलीपुर बनाती भी है नहर एंड जरा इतनी जिले की हेड का ना जो एंड कि हेड का ना वे हेड देगी मोहम्मदपुर के नाल थी वी है ना है हेड देगी इन अगू काफ़ी सारे नहर निकलते हैं जी एक सैड पतली वाली सैड पर वेंदी है फतेह फतेहपुर वाली सैड पर भी राजमपुर दूर नहर वेंदन एक वही नहर छोटी वेंदी है इवें कोई मखण वाद इवें पता क्या क्या नहर छोटिया वोटिया ढेर निकलते हैं पंज नद तकरीबन जी पंज नद ना आई आम का बयान जिमें ना आई पंज नद उही बाकी पंज नहर निकलते हैं हूँ असा ना इतों वसूली चावनी है तो मुर्गी की एक दुकान है तो बाबू दिखा लो मुर्गी की दुकान है यार हाँ हाँ
ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਵਣੇ ਨੇ ਚੌਕੀ ਹੈ ਬਸ ਨੇ ਬੋਲਾ ਗਾਲ ਕਰਨ ਦੂੰ ਦੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੀ ਤੇ ਹੈਡ ਦੇਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹੈਡ ਦੇਗੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈਡ ਦਿਖਾ ਗਈ ਯਾ ਇਥੋਂ ਪਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ अच्छा इन तेल ला दे हूँ भाई घुमा के मैं थोड़ा जहा हैड वाली साइड से मोटरसाइकिल गेंद जो हैड की लोकेशन ये डे किलो ये हैड दे वे ये डे किलो ये हैड देगी पांच नाथ का हैड देगी ये सारा बाजोल प्यो ये हैड देगी ये दोबारा वाला तो खा दूँ ये बैक साइड से सीरी ये हैड देगी पांच नाथ का जोड़ा तो अगर मैं जिक्र किए नहर हैं पांच सारे नहर निकलते हैं हूँ नहर तो अगर खा दी हूँ जी राजमपुर की नहर है ना ये के छोटी नहर है खान वास रहन लेकिन असा नहीं को नहर ही सदन ये छोटी नहर ही एक वी हूँ को कहो असा वही नहर हूँ को लोग डाला सदन इतों के जड़े सारे सराकी बिरा हैं ये को खानवा से देन खान मैनर या खानवा को खानवा ही सारे देंगे यानी कि छोटी नहर ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੂਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਣਾ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਹੈ ਤੋੜ ਰਾਜਮਪੁਰ ਰਾਜਮਪੁਰ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਖੇਡੂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜਮਾਲ ਦੀ ਨਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜਮਾਲ ਦੀ ਨਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਬੇ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਮਖਦੂਮ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਮਖਦੂਮ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗੂ ਲਿਖੇ ਦੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੁਲਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਕਦੇ ਪਿਓ ਬਾਕੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੁਲਤੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਹੈਡ ਦੇਗੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਡ ਦੇਗੀ ਟਰਾਪਾ ਹੀ ਆਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰੋਡ ਦਾ ਰੋਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅੱਛੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਦੂੰ ਇਹ ਮਖਦੂਮ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਮਖਦੂਮ ਹਾਸ਼ਮ ਜਵਾਬ ਬਾਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਪੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਹਕੂਮਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਲ ਲਵੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੁੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸੋਚੀ ਕੋ ਨਾ ਆਸੇ ਅਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਆਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੁੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪੁੱਲ ਵੇਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡ ਦੇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਦੀ ਇਮਾਮ ਨਗਰ 13 ਮੁਸ਼ੀਰ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਲ ਇਹ ਡੱਬਲ ਪੁੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਪੁੱਲਾਂ ਰਹੀ ਵੇਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਿੱਠਾ ਪੇ ਇਹ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖੇਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੇ ਦੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਦੀ ਭੰਗ ਪੀ ਦੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਇਤਨੇ ਡੱਠੇ ਪਏ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਮਨਾਜ਼ਰ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਖਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵੇਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਦਿਆਂ ਪਿਆ ਉਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਜਿੰਦਾ ਪਏ ਇੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜੇਸੇ ਨਾ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਇਹ ਹੂੰ ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਸਫੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੈ ਗਏ ਅੰਧਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਕੱਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੱਪੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਡੱਟੇ ਪਏ ਲੋਕ ਚਾਹਵੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਦਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚਾਹਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬੇਬੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਰਾਜਮਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਡ ਕਨੇਲਾ ਦੇ ਰਾਜਮਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖੇਂਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਧਾਰੋ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹਨ ਜੰਗਲ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਚਲੋ ਹਨ
लेकिन जो दरख्त सुख वेंदन या ढह वेंदन वो बिल्कुल जया वेंदन मूं को बिल्कुल ये जड़ी इतों की असरी महकमे जंगलात वाले वो तवज्जो जरी को नहीं करेंगे आप बेच खा वेंदन जड़ा जैंक दे देवन कहीं को चार पैसे घेंदे इन्हें बेच देवने दरख्त जवा देवने ये नहीं जो दरख्त जिमें डहन मिसाल तौर पर 6 महीने साल बाद नीलामी होनी चाहिए साल 2 साल बाद देखें कोई 2 ट्रालियाँ कोई 4 ट्रालियाँ अगर बिकते ना तो बेचन क्या ही ना ही ना करें चलो जिदा जिदा दरख्त हो सारे दरख्त सुखे जड़े बड़े 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 दरख्त बड़े बहुत बहुत बड़े इतना दिखे ना ये टाली के दरख्त बैक साइड से बहुत बड़े बड़े दरख्त तो ये जितने भी हैं सारे उम्र खड़े लोग चाह वैसे कप कप से कोई एक टाण चाह गया कोई ब्याह ही है सरी सरी चाह तो चाह मिले तो खजाने च नहीं जमा कराने बिल्कुल यानी कि आवाम खा वे कोई बे लोग खा वे नहीं ये नहीं कटते खजाने जमा कराने ठीक है हाँ बहुत सफा का पुत्र है अच्छा ये हैं वे जंगलात दे तो महाल दसा पे हम असर राजपुर का बाकी हूँ एक भी गाल करनी है दरख्त दरख्त भी तुम देख गिनो मनाजर ये ब्याह है ठीक है डंडा पे वेर देखो ये रोड का भी तो दस दीते जंगलात का भी तो सैड दिखा दीते मनाजर तो अस रोड से दिखेंदे वे तू जंगलात ये तो तुम देखते बेसो अच्छा बाकी हूँ अस गाल करनी है असरी जड़ी इंपोर्टेड नलायक हुकूमत है जलील हुई कि परेशान हैं लोग बड़े गरीब बंदे बड़े परेशान हैं और तेल बला बद गए पाकिस्तान के अल्लाह तला हुकुमरान दिते न से जो तक तो लड़ गए असा कहते तो अल्लाह तला इन्हें रुक नहीं सकते एक दिन चाह वजे मदीने वाली साइड के वाला बंदे नहीं गए असा तो दुआ मंगू कि निकले न सर इन्हें कि जान छुटे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिए ने गरीब हवा पिटनी पी एक शर्म का हया को नहीं आता पाया सिर्फ मैं अपने मफाद वास्ते 13-14 जमात इकट्ठे थी तो बह गए ये हुकूमत चलती पी है ये जी बेगारत हुकूमत है जैन जी हुकूमत ही मैं समझ गया गरीब का खून चूस गई है तो अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं होंगे बेच के लोग होंगे ना पोजिशन है तो आखे दिया इमरान खान को हुकूमत कर नहीं होती ये आई भी आ गई मुहा दे गई मिला नहीं दे हुकूमत करी होती है महंगाई की वे लेकिन इमरान खान की हुकूमत असा क्यों अच्छी आग दू उनकी हुकूमत के महंगाई इतनी को ना आई जितनी इन्हें कितनी इन्हें आते डबल कर दी है मुल्क का बेड़ा हर कर दीते हैं गरीब बोलिया चाह दी ने पिटे का पे ये तो आखते हैं ना इमरान खान क्या कि तो रोड ही नहीं खेते प्यू या तो असा मनासर नहीं खेते प्यू रोड से ये कि रोड बेहतरीन रोड है डबल ये इमरान खान के होंगे कम थे अस इतनी जितनी सारी उम्र थी की है अज तक असा नहीं डिठे जो जी कम थे उम्र सिर्फ आज इमरान खान बड़े कम किए तो ब्याज थमों के जो एम एन ए न सर एम पी ए मखदूम अहमद महमूद अल ग्रुप है बीपी के बच्चे तो वह तो सरी मैं कहना मक्खी मार देना देवे ना सर कोई सरी टक्के का काम नहीं करेंगे पैसे के हल्के का असा ये आवाज़ उठेते प्यों पूरी दुनिया के जी इस आवाज़ है पूरी दुनिया के वैसे मुल्क के हुक्मरान जोड़ा ये 14 जमात टोला ही सर पी टी एम ये पी टी एम की हुकूमत है इन जे वे जे देह बैठे ये जे नाग बैठे न्योले नाल उन्हें छोटे छोटे वे वे देह फजल रहमान थी गया सरदारी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये सारे ये वे वे तुम्हुण खान ये मुल्क का बेड़ा गर्क की वेन राजपुर के अस जितनी आवाम हूँ अस इनके खिलाफ एक ऐलान जिहाद समझो इन खिलाफ अस आवाज़ उठे थे प्यों जो भी ये अस हुकूमत को तस्लीम जरीना से करें थे ये सारी इतों की आवाम अस खुद ही अस ही परेशान हूँ हर बंदा परेशान थी कि इन्हें कहीं जो इतनी महंगाई की वेन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दीते इन्हें लोग इनको छोलिया चाह दे बदू ही दे देने हूँ असा वसूली की उतो हाल आ कि लोग पिटते पे सारे लोग पिटते पे बीमार है क्या ना ये कुछ कसाई बना दी तेरी सारे लोग पिटते पे इन्हें
अल्लाह ताला तो असा दुआ मंगू अल्लाह सियां से जी जान छुड़वा असा गुनाहगार ऐसे असे दे गुनाह दे रहम फरमा असा बेशक हर बंदा गुनाहगार है असा के तो अल्लाह सियां सा गुनाह दी तौबा मंगदो लेकिन ये जड़ा अजाब है ना ये बड़ा गंदा अजाब है हुकूमत का नहीं इतने से कुछ जात जवावे अल्लाह सी ये अल्लाह ताला दा काम है देख नहीं दा काम करी असा वलाई दुआ ही मंगसो लेकिन हुन दोस्तों असा हुन पहुंच गए वाला राजापुर दी हदूद दे विच राजापुर दी हदूद आ गई है इख्तिताम कर रहे हो हां इख्तिताम कर वीडियो दा ना 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 राजापुर जो भी आ जाओ असा हुन राजापुर जाना दे शायद साहब आ दे पेन हुन एंड कर मैं के एंड दा फायदा दा कोनी राजापुर दा दिखाऊं कुछ ना कुछ तो दिखाऊं राजापुर दा मिसाल तौर ते एक बाईपास है असा बाईपास दे नु जेड़ा ई थो हुन कम से कम रोड पर दिखे सा सीधा राजापुर की चौकी है प्रभु रहीम यार वाली साइड दे वेदी है राजापुर पहुंच गए बाईपास राजापुर जी रोड रही यार साइड से बदली रही यार साइड से रोड में दी है हम अस राजापुर पहुंच गए जानवर जी अच्छा असं राजापुर पहुंच गए ये दुकान छिकिया थी गए दुकान असं ढेर छिकिया थी गए क्योंकि रोड बनाने के नाल रोड उच्ची है दुकान छिकिया थी गए एरे गिनो ये मनाजिर राजापुर शुरू थी गए राजापुर है राजापुर का इलाका है सारा राजापुर के मनाजिर तो अपनी कहते थे हूँ अस पहुंच गए राजापुर क्यों लेकिन ये हूँ असर टाइम है खबरें का खबर भी भेजना पड़ते हैं असा हूँ वीडियो के इख्तिताम दे वीडियो का एंड करे सो तो ये सारे मनाजिर तो कुछ ना से दिखा सकते बस कुछ दिखा दीते से बाकी मेहरबानी करे सो मेरे चैनल को लाइक करे सो कमेंट्स भी अच्छे अच्छे दे सो कोई गलती की नहीं है कमेंट्स के दस दीजो बाकी दोस्तों को ऐसा मेरे चैनल की वीडियो देखते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करी जो ऐसे हूँ चौक आ गए फटी चौक राजापुर के पहुंच गए तो ये अस ब्रेक मरेंदे पे मेहरबानी शुक्रिया हूँ वाला दोबारा मिलसूँ अगली वीडियो खुदा।